नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारंग और आप देख रहे हैं कलाकारी चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम कुछ नई चीज़ करने वाले हैं और आज उसका नाम है स्पिनिंग टॉप, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसान है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स डू इट। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर के दो टिंटेड पेपर या फिर कार्ड पेपर, जिसको हमें आधे में से मोड़ लेना है दोनों पेपर को, देखिए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद पहला वाला पेपर लेके ये जो नीचे वाला कोना है लेफ्ट साइड का, उसको अंदर की तरफ मोड़ लेना है। और यही चीज़ करनी है हमें राइट साइड वाले कोने को, जिसको हमें ऊपर वाला जो कोना है उसको नीचे की तरफ मोड़ लेना है। और यही चीज़ हमें रिपीट करनी है नीचे वाले पेपर को भी, लेकिन इसका एग्जैक्टली उल्टा करना है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो कोना है ऊपर वाला उसको नीचे की तरफ मोड़ लेना है, और राइट साइड वाला जो कोना है उसको ऊपर की तरफ इस प्रकार से मोड़ लेना है। देखिए, आप देख सकते हैं कि दोनों जो पेपर है उसको एग्जैक्टली उल्टा किया हुआ है। इसके बाद एक पेपर लेके जो हमने लेफ्ट साइड के पोर्शन पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट हमें और एक ट्रायंगल बना के लेना है। तो इसीलिए हमको इस पेपर को मोड़ना पड़ेगा, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। और इसके बाद इसको उल्टा करके सेम जैसे हमने ट्रायंगल बनाया है उसके अपोजिट और एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और यही चीज़ हमको दोहरानी है दूसरे पेपर को भी, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। इसको मोड़ लेना है एक तरफ से, और इसको उल्टा करके भी हमें दूसरे साइड से भी इसको मोड़ लेना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से उसका शेप बन जाएगा, एक साइड पे प्लेन और एक साइड पे आप देख सकते हैं इसके कुछ फोल्ड है। तो प्लेन साइड वाले जो पोर्शन है वो एक के ऊपर एक रख के हमें एक स्वस्तिक जैसा एक शेप मिल जाएगा। तो ये जो साइड वाले कोने हैं उसको दूसरे पेपर के फोल्ड के अंदर अच्छी तरीके से दबा लेना है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। और यही चीज़ हमको दोहरानी है दूसरे वाले कोने को भी। वो कागज़ अच्छी तरीके से अंदर बैठना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरे साइड पे दूसरा जो हमारा कागज़ है उसके दो कोने पहले कागज़ के फोल्ड के अंदर अच्छी तरीके से दबा के डाल लेना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इसके बाद हमें लेने हैं दो 20 बाय 20 सेंटीमीटर के दो कार्ड पेपर। तो सबसे पहले हम इसको आधे में मोड़ लेंगे एक साइड से, और इसको खोल के फिर से दूसरे साइड से आधे में मोड़ लेंगे। फिर इसके बाद दो जो डायगोनली अपोजिट कोने हैं उसको भी हम जोड़ लेंगे, और जो दो बचे हुए कोने हैं उसको भी हम जोड़ लेंगे, यानी कि सारे साइड पे हमको इसको आधे में मोड़ लेना है। इसके बाद सारे जो कोने हैं उसको अंदर की तरफ मोड़ लेना है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद सारे जो कोने हैं फिर से इसको एक बार अंदर की तरफ मोड़ लेना है। ये होने के बाद एक छोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद दोनों साइड्स को अंदर की तरफ मोड़ लेना है, जैसे कि मैंने वीडियो में बता दिया है, और अच्छी तरीके से दबा लेना है। और ये होने के बाद इसे ओपन करके दूसरे दो जो साइड्स है उसको भी सेम चीज हमको दोहरानी है। देखिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हमें सारे कोनों को दबा के लेना है कुछ इस प्रकार से।
और सारे साइड्स को अच्छी तरीके से अंदर की तरफ मोड़ लेना है और अच्छी तरीके से दबा के लेना है, और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे जो हमारे कोने हैं उसको बाहर की तरफ मोड़ लेना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद यही पूरा प्रोसीजर हमें दूसरा वाला जो पोर्शन है, जो कागज है, उसको भी करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। सबसे पहले हम सारे बाजुओं को आधे में मोड़ लेंगे, फिर सारे कोनों को अंदर की तरफ मोड़ के उसके बाद फिर से सारे कोनों को अंदर की तरफ मोड़ लेना है, और इसके बाद दोनों साइड्स को अंदर की तरफ मोड़ के लेना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद सारे साइड्स को अंदर की तरफ मोड़ के हमारे जो चार कोने हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाहर की तरफ मोड़ लेना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप देख सकते हैं दोनों में फर्क। अभी इस पेपर को बाहर की तरफ मोड़ लेना है दोनों साइड से, और इसको उल्टा करके इसको स्क्वायर शेप दे देना है ताकि वो खड़ा हो जाए और सारे जो कोने हैं वो बाहर की तरफ अच्छी तरीके से मुड़ जाए, और यही चीज हमको रिपीट करनी है दूसरे पेपर को भी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। इसके बाद एक पेपर लेके हमारा जो पहला वाला पोर्शन था उसके चारों साइड्स में कुछ फोल्ड से उसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरीके से दबा लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमने इस पेपर को बहुत सारे फोल्ड्स दिए हुए हैं, तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से दबा लेना है, और यही चीज हमको रिपीट करनी है दूसरे पेपर को भी दूसरे साइड से। तो देखिए इस प्रकार से हमारा स्पिनिंग टॉप रेडी हो चुका है। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।